بسم الله الرحمن الرحيم टूर कराने वाले हैं ये यूज घर है बहरिया टाउन फेज 8 के अंदर बेसमेंट के साथ गैस लगी हुई है का घर है केवीए का सो इसकी लोकेशन की बात करें इसके सोलर के साथ हम इसकी बात कर रहे हैं घर के मतलब गैराज के अंदर इसके अंदर आप दो गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं और एक गाड़ी छोटी खड़ी कर सकते हैं टोटली फ्रंट के ऊपर इस घर के बेसमेंट के लिए दो रास्ते हैं इंडोर भी यूज़ किया जा सकता है अगर आप रेंट पर्पस के लिए करना चाहें तो इसका ये रास्ता है ये इसका प्रॉपरली रास्ता नीचे से जा रहा है अब हम इसका टूर करते हैं पहले ग्राउंड करते हैं बेसमेंट करते हैं फिर फर्स्ट पे जाएंगे अब इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ये प्रॉपर डबल यूनिट भी बन सकता है इस जगह पर आप अपना दरवाज़ा लगा के ये इसका स्टेयर है फर्स्ट फ्लोर के लिए लेफ्ट साइड पे एंटर होते हैं ये आपको छोटा एक वाशरूम मिल जाता है वाशरूम प्रॉपर वाशरूम है लेफ्ट साइड के ऊपर ड्राइंग रूम विंडो सीलिंग वर्क और अभी इसके साथ ग्लास पार्टीशन है ड्राइंग रूम को सेपरेट करने के लिए अगर हम ड्राइंग रूम से आगे निकलते हैं ये इसका टीवी लॉन्च बेहतरीन सीलिंग वर्क घर पुराना है लेकिन चीज़ें इसकी टोटल मॉडर्न डिज़ाइन पे है ओनर बिल्ड है ओनर ने अपने लिए बनाया था ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ये फर्स्ट मास्टर बेडरूम गर्मियों में आप फ्रेश एयर ले सकते हैं कूल एयर ले सकते हैं ये इसका अटैच वाशरूम है शावर कैबिन वेंटी कमोड काफ़ी बड़ा वाशरूम है इससे आगे जाते हैं हम अगर किचन की तरफ जाते हैं ये इसका इनसाइड द बेसमेंट को जाने के लिए ये रास्ता है अगर आप सेपरेट करना चाहें तो बाहर से है अंदर से यूज़ करना चाहें तो ये रास्ता है ये इसका किचन है काफ़ी बड़ा किचन है हुड लगा हुआ है बर्नर लगा हुआ है ये इसकी बिल्ड बर्तनों की वार्डरोब्स है ये एक सेंटर टेबल है मार्बल के साथ ग्रेनाइट के साथ बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है इसके बाद हम इसके बेसमेंट में जाते हैं बेसमेंट में जैसे ही आप एंटर होते हैं ये जो सामने डोर नज़र आ रहा है आपको ये आपको उधर से आने के लिए गैराज से ये बाहर से एंट्रेंस है विंडो है इसका मीडिया वॉल आ गई इसकी छत देखें सीलिंग देखें इसके अंदर ग्राउंड बेसमेंट के अंदर टोटली दो बेडरूम हैं एक स्टोर है ये स्टोर टाइप है ये इसका बेडरूम है विद अटैच वाशरूम है शावर कैबिन के साथ वार्डरोब्स बनी हुई
अभी हम इससे सेकंड बेडरूम की तरफ जाएंगे। ये इसका सेकंड बेडरूम है बेसमेंट का, सीलिंग विद अटैच वॉशरूम। देखिए इस घर के जितने भी वॉशरूम हैं, ये रास्ता अगर हम ओवरव्यू करें एक, ये अब हम ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। ये इसका सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन है, 10 केवीए का सोलर है। इसमें तीन बेडरूम है, ये फर्स्ट बेडरूम आ गया। बेहतरीन सीलिंग के साथ वॉशरूम।